बाजाब्ता तौर पर लोगों पर टैक्स की होगी वसूली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामारी, जम्मू कश्मीर समेत 64 मकामात पर छापामार कार्रवाई, अहम कागजात जब्त करने का किया दावा। टेरर फंडिंग मामले में एसआई की कार्रवाई, वादी में 5 अलग अलग मकामात पर छापे और तलाशी, कई अफराद को किया गया गिरफ्तार। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, शेर बीवी के मकाम पर चट्टाने खिसकने के बाद शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर, हजारों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा। बटोट डोडा किश्तवाड़ शाहरा पर हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील, कमेटी वाकात की वजूहात का लगाएगी पता। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को लेकर एक और बड़ी खबर। इंतजामिया ने एक और फरमान जारी किया है। जम्मू कश्मीर में जहां गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ मामलात को लेकर सरकार फरमान जारी कर रही है, वहीं पर एक और फरमान जारी हुआ है जहां पर जायदादों का अब सरकार हिसाब लेगी, हिसाब किताब लेगी। और आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया है। 1 अप्रैल से अब बाज़ाब्ता तौर पर टैक्स की वसूली होगी, लोगों से जायदाद टैक्स लिया जाएगा। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में जहां गुज़िश्ता बरसों से मुख्तलिफ मामलात को लेकर सरकारी फरमान जारी किए जा रहे हैं, वहीं पर आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और फरमान जारी करते हुए मुतलका महकमा जात को हिदायत दी कि वह लोगों से जायदाद टैक्स वसूल करने के लिए मुतहरिक हो जाए। हुक्मनामे में यह बात वाजह कर दी गई है कि 1 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर इस फरमान को जमीनी सतह पर अमलाया जाएगा ताकि सरकार के उस फैसले को आगे ले जाने में आसानी होगी जिसके तहत लोगों से जायदाद टैक्स वसूल किया जाएगा। आपको बताते चले कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बहुत सारे फरमान जारी किए गए जिनके सामने आते ही न सिर्फ सियासी हलकों ने एतराजात जताए बल्कि अवामी हलकों ने भी दबे अल्फाजों में अपनी नाराजगी का इजहार किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 64 मकामात पर छापे मारे जिस दौरान अहम कागजात को जब्त किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में बड़ी ब्रह्मणा इलाके में मारूफ कंपनी के ऑफिस पर छापा डाला और वहां पर तलाशी ली गई। जराय का कहना है कि माली बदनवानी के सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे डाले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता मुख्तलिफ टीमों ने बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में छापे मारे और वहां कागजात की बारीकबीनी से जांच पड़ताल की गई। बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में 4 यूनिटों पर मुख्तलिफ टीमों की जानिब से छापे मारे गए और वहां अहम कागजात को जब्त किया गया। जराय का यह भी कहना है कि माली बदनवानी की इतला मिलने के बाद ही इनकम टैक्स ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इधर एसआई ने 8 सुबह बस्ती शुमाली और जुनूबी कश्मीर के मुतद्दिद मकामात पर छापेमारी की है। एसआई टेरर फंडिंग से मुतलिक मुकदमे की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। जराय का कहना है कि तहकीकाती एजेंसी ने मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से 5 अलग अलग मकामात पर छापे मारे। नार्को टेरर केस में बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, सोपोर के अजला में तलाशी कार्रवाई की गई। वाजह है कि रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से इससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई थी जिसके दौरान मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ताहम आज की इस ताजा कार्रवाई में कई मकामात पर छापों के दौरान ही कई अफराद को हिरासत में लिया गया और उनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज रामबन के शेर बीबी इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से बंद कर दिया गया। शाहरा को काबिले आमद रफ्त बनाने के लिए इंतजामिया हरकत में आ गया जबकि मैन
मेन और मिशनरी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। नामन की शेर बीबी इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक हुकाम ने कहा है कि रामबन बारहाल सेक्टर के शेर बीबी के मकाम पर मिट्टी के तूदे गिराने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हरकत को मुअत्तल किया गया। शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए इंतजाम ने मैन और मिशनरी को काम पर लगा दिया। शाहरा बंद होने की वजह से हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हो गई। कौमी शाहरा के बंद होने की वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। रामबन और बानिहाल के मुख्तलिफ मकामात पर माल बरदार गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियां भी दरमांदा है। ट्रैफिक हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया कि वो शाहरा पर सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से शाहरा की सूरत हाल के मुतलिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करे, उसके बाद ही अपना सफर जारी रखे। वाज़ेह रहे कि वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा सर्दियों के आयाम में बर्फबारी और बारिश के सबब अक्सर बेशतर बंद रहती है, जिससे वादी कश्मीर का जमीनी राबता बीरून दुनिया से कट के रह जाती है। अगर चिकौमी शाहरा को चार गलियारों में तब्दील किया जा रहा है, तमाम कई इलाके ऐसे भी हैं जहां तामीराती काम अभी भी जारी है। इस सिलसिले में आज जब ट्रैफिक मुतासिर हुआ तो ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी ऐलान किया गया। छोटी गाड़ी जो भी है ये वापस जम्मू चले जाए उधमपुर या पत्नीटॉप भी चले जाए, तमाम लोग आने जाने के लिए कोई गुजारिश नहीं, दो दिन के लिए रास्ता बंद। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके गाड़ियाँ वापस ले वापस कर लो, वापस तमाम गाड़ियाँ वापस कर लो, ऑटो वाला निकल जाए नाम पर जाए चलिए आप मेहरबानी करके सफर ना करो। ये देखो खुदाया रहम, ये देखो अल्लाह रहम करे, सारा पहाड़ निकल चुका है यहाँ पर, काफी बुरी हालत, सारा रोड बंद हो चुका है शेर बीबी के मुकाम पर। बशारत साहब क्या पोजीशन है, देखो कितनी बुरी हालत है, पहाड़ी निकल आ रहा है हम लोगों से। रियासी जिले में दरियाए चनाब पर वाका 359 मीटर ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ है। 21,653 करोड़ रुपए की लागत से जेर तामीर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक मंसूबे का हिस्सा 1.3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल कटरा बानिहाल तक 111 किलोमीटर के तवील हिस्से में अहम लिंक है। रियासी कस्बे से 42 किलोमीटर के फासले पर बकुल और कोरी के दरमियान स्टील और कंक्रीट के पुल की बुनियाद नवंबर 2017 में मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद मरकजी हिस्से की तामीर शुरू हो गई थी जो अप्रैल 2021 में मुकम्मल हुई। पुल पर एक और संगमील गुज़िश्ता साल अगस्त में हासिल किया गया था, जब पुल के आर्च डेक को गोल्डन जॉइंट के साथ मुकम्मल किया गया था, जिससे पटरी बिछाने के लिए रास्ता हमवार हुआ था। हुकाम के मुताबिक पुल पर तामीराती काम 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन उस इलाके में अक्सर तेज रफ्तार हवाओं के पेश नजर रेल मुसाफिरों की हिफाजत के पहलुओं पर गौर करने के लिए इसे 2008-09 में रोकना पड़ा था। हुकाम का कहना है कि एक बार मुकम्मल होने के बाद यह पुल 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा और इसकी उम्र 120 साल होगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बटोट डोडा किश्तवाड़ रोड पर सड़क हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने बटोट डोडा किश्तवाड़ रोड पर सड़क हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम तजवीज़ करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उनका कहना है कि कमेटी बटोट डोडा किश्तवाड़ रोड और चिनाब वादी के पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसात के बढ़ते हुए वाकात की वजूहत का पता लगाएगी और इस सड़कों हादसात से पाक बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ पेश करेगी। ये कमेटी सेक्रेटरी टेक्निकल
पीडब्ल्यूडी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। रोड सेफ्टी काउंसिल के सेक्रेटरी, एनएचडीसीएल जम्मू दफ्तर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एससीपीडब्ल्यू आरएनबी डोडा सर्कल और एसएसपी ट्रैफिक रूलर जम्मू इस कमेटी के मेंबरान है। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।